असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल, ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट MTU 641 फंक्शनल एनालिसिस। तो मैं यहाँ पे फंक्शनल एनालिसिस के फाइनल के लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेड्यूल है वो मेड्यूल नंबर 60, यहाँ से आपका फाइनल का सिलेबस स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे लीनियर ऑपरेटर। ये लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर नॉर्म स्पेस आर जनरलाइजेशन ऑफ डिस्टेंस। नॉर्म स्पेस क्या होती है? ये जनरलाइजेशन होती है डिस्टेंस की बाय यूजिंग द नॉर्म स्पेस। नॉर्म स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। हम यहाँ पे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की हमारे पास डेफिनेशन है। लेट एक्स एंड वाई बी नॉर्म स्पेस, यानी एक्स एंड वाई वो क्या है? नॉर्म स्पेस है। नॉर्म स्पेस क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास नॉर्म स्पेस, नॉर्म स्पेस क्या होती है? आ नॉर्म ऑन आर रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। नॉर्म होती है वो रियल या कॉम्प्लेक्ट वेक्टर स्पेस पे डिफाइन की जाती है, और जिसपे एक्स जो होता है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। होज वैल्यू, यानी जो भी हमारे पास नॉर्म की वैल्यू हो एक्स की, वो कैपिटल एक्स से हमारी बिलोंग करनी चाहिए, और इसे हम डिनोट करते कैसे करते हैं? एक्स नॉर्म, इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। ये हमारे पास आ गई नॉर्म की डेफिनेशन। नॉर्म स्पेस क्या होती है? आ नॉर्म स्पेस एक्स इज़ अ वेक्टर स्पेस। ये एक नॉर्म स्पेस एक्स वो एक वेक्टर स्पेस होती है विद अ नॉर्म डिफाइन इट, जिस पे हम नॉर्म को डिफाइन करते हैं। आ नॉर्म स्पेस इज डिनोटेड बाय, और नॉर्म स्पेस को किस तरह से डिनोट करते हैं? एक्स कोमा मोड ऑफ डॉट नॉर्म, और सिंपल एक्स से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। यानी ये नॉर्म वो होती है जो किसी भी वेक्टर स्पेस पे अगर हम कोई नॉर्म डिफाइन करें वो नॉर्म स्पेस कहलाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास आ गया नॉर्म स्पेस। यानी टी, टी से हम मैप कर रहे हैं, डी ऑफ टी जो मैप कर रहा है वाई पर इज अ लीनियर ऑपरेटर। ये एक लीनियर ऑपरेटर है। वेयर डी ऑफ टी जो है वो सबसेट हो एक्स का, द ऑपरेटर टी इज सेट टू बी बाउंडेड। तो हम ऑपरेटर टी को बाउंडेड कहेंगे इफ़ देयर इज अ रियल नंबर सी, अगर इसमें कोई भी रियल नंबर सी हो, सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग करे डी ऑफ टी को। यानी इसमें यहाँ पे जो बात कर रहा है डी ऑफ टी है वो वाई से बिलोंग कर रहा है, और डी ऑफ टी किसका सबसेट है? एक्स का, एक्स का सबसेट है। और टी को हम बाउंडेड तब कहेंगे अगर उसमें कोई भी रियल नंबर सी हो, और सी जो हो वो नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल सी ऑफ एक्स हो, तो टी क्या होगा? हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। इफ़ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो टी हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा। ये जो आपने है डेफिनेशन बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि फाइनल टर्म में जो है वो आपकी बहुत सारी डेफिनेशंस भी आती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं जैसे जैसे वीडियो में आपको डिस्क्राइब करती रहूँगी तो साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि इसमें से कुछ टाइप का पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की आपने यहाँ तक डेफिनेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि ये 2 मार्क्स पेपर में क्वेश्चन आता होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारे पास बाउंडेड फंक्शन होता है उसकी रेंज भी बाउंडेड होती है, और जिस फंक्शन पे वो मैप कर रहा होता है वो भी हमारे पास बाउंडेड होता है, तो हम इसे बाउंडेड फंक्शन कहलाते हैं अगर हमारे पास उसकी रेंज और डोमेन दोनों बाउंडेड हो। देन हमारे पास टी ऑफ एक्स नॉर्म डिवाइडेड बाय एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल हो सी से, और जबकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है डी ऑफ टी से। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी इज सुप्रीमम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, यानी सी की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कब होगी? जब हम सुप्रीमम लगा दें उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, देन द वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब सी जो है वो हमारा इसके इक्वल है, सी इक्वल है सुप्रीमम, एक्स बिलोंग कर रहा है डी ऑफ टी से एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के। तो नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स वी कॉल द वैल्यू एज टी नॉर्म, तो हम इसे टी नॉर्म की वैल्यू भी कॉल कर सकते हैं। हम सी को कहते हैं कि सी हमारे पास इक्वल है टी नॉर्म के। अगर हमारे पास डी ऑफ टी जीरो के इक्वल हो तो टी नॉर्म भी हमारे पास किसके इक्वल होगा? जीरो के। सी इज इक्वल टू टी नॉर्म के, सी जो है वो टी नॉर्म के, और तो ये हमारे पास सुप्रीमम एक्स बिलोंग कर रहा है डी ऑफ टी से, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के, और एक्स इक्वल नहीं है जीरो के। नॉर्म ऑफ टी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स,
तो हमने कहा कि हम इसे डिवाइड कर देते हैं नॉर्म ऑफ एक्स। अब देखिए ये वाला जो एक्स है वो इधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टी ऑफ एक्स है ये लेस देन इक्वल हो गया नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ एक्स के। दिस इज़ अ फार्मूला वी यूज टू बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। ये वो फार्मूला है जिसे हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 61। मॉड्यूल नंबर 61 में हमारे पास है सबसे पहले लेमा। फर्स्ट वी डिफाइन द नॉर्म, पहले हम नॉर्म डिफाइन करेंगे, देन प्रूव द नॉर्म डिफाइन ऑन टी। फिर हमने उस नॉर्म को प्रूव करना है जो टी पे डिफाइन करना है, और फिर हमने इसकी चारों प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई करवानी है। तो सबसे पहले हम लेमा की स्टेटमेंट देखते हैं। लेमा की हमारे पास स्टेटमेंट्स है, लेट टी बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। टी क्या है? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है एज डिफाइंड देन एन अल्टरनेटिव फार्मूला ऑफ द नॉर्म ऑफ टी। हम टी को डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास एक अल्टरनेटर फार्मूला है जिस पे हमने नॉर्म डिफाइन किया है। तो टी नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग कर रहा है डी ऑफ टी से, एक्स की नॉर्म जो है वो वन के इक्वल है, और ये नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स के। द नॉर्म डिफाइन ऑन टी सेटिस्फाई करे ये वन से फोर प्रॉपर्टी नॉर्म की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात की है, यहाँ पे इन्होंने बात की टी इज़ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अभी हमें ऊपर ही पढ़ा है कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की क्या कंडीशन है। वो कंडीशन है टी ऑफ एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल सी ऑफ एक्स का नॉर्म। तो सबसे पहले हमने ये राइट कर ली, और टी नॉर्म किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए C इज इक्वल टू टी नॉर्म के, और टी नॉर्म मैंने अभी ऊपर बताया कि वो इसके इक्वल है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ये सुप्रीमम टी ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है डी ऑफ टी, और एक्स इज इक्वल टू वन, यानी ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाने होनी चाहिए। तो हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें सब्सिट्यूशन करते हैं। लेट एक्स नॉर्म इज इक्वल टू ए, एक्स नॉर्म जो है वो ए के इक्वल है, देन द सेट, और तो जो सेट है वाई एक्स ओवर ए, यानी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे नॉर्म लगाई, नॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स ओवर ए, ये हमारे पास वन के इक्वल होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास था एक्स नॉर्म, यहाँ पे एक्स नॉर्म किसके इक्वल थी, ए, यहाँ पे हमने ए राइट कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसी में टी हमारे पास पाई रहा है, एक्स ओवर ए को हमने यहाँ पे राइट कर लिया एक्स ओवर ए। तो ये हमारे पास एक्स ओवर ए किसके इक्वल था, पाई के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, सुप्रीमम पाई बिलोंग कर रहा है डी ऑफ टी से, नॉर्म ऑफ पाई इज इक्वल टू वन, तो ये हमारे पास इक्वल हो गया टी ऑफ पाई के, ठीक हो गया। हेयर वेरिएबल वाई विच कैन बी एन अदर पार्ट ए ऑफ द लेमा इज प्रूफ, यानी जो वेरिएबल वाई है वो अदर है, हम इसे चेंज कर सकते हैं एक्स में, जो हमने ऊपर प्रूव करना था। ये देखिए यहाँ पे हमने एक्स में प्रूव करना था, तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आ गई है, और ये हमारे पास इक्वल आ गया है। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लेना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लेमा का जो फर्स्ट पार्ट था वो कम्प्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है, टी नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग कर रहा है डी ऑफ टी से, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एंड नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग कर रहा है डी ऑफ टी से, और एक्स नॉर्म इज इक्वल टू वन, और ये हमारे पास होगा टी नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गया। तो नॉर्म के हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉर्म ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। सेकंड हमने कहा कि टी ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से ग्रेटर तो टी हमारे पास जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। अगर ये हमारे पास जीरो के इक्वल हो, अगर टी हमारे पास जीरो के इक्वल है, तो हम उसे एक्स से भी मल्टीप्लाई करें या किसी भी डिजिट से करें तो वो जीरो ही आता है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है डी ऑफ टी से, और टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी हमारे यहाँ पे सेटिस्फाइज हो जाती है। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड यहाँ पे हमारे पास है अल्फा टी। तो हमने यहाँ पे राइट किया सुप्रीमम एक्स डी ऑफ टी ओवर एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू वन। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा टी ऑफ एक्स के, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में सुप्रीमम एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू वन, तो ये हमारे पास अल्फा और नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, अल्फा को हमने बाहर ले लिया। फिर अल्फा को हमने सुप्रीमम के इस साइड पे ले लेना है, तो ये हमारे पास टी ऑफ एक्स, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सुप्रीमम एक्स नॉर्म ऑफ इज इक्वल टू वन, टी ऑफ एक्स की नॉर्म हो तो ये हमारे पास, जब हम इसमें लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास टी की नॉर्म के इक्वल आता है। तो हमने इस पूरे की जगह नॉर्म ऑफ टी राइट कर देना। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब हमारे पास है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास है टी वन प्लस टी टू लेस देन इक्वल टी वन
प्लस टी टू, यानी ये टी लेस देन इक्वल हो टी वन प्लस टी टू के, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा कि इक्वल है सुप्रीमम, एक्स अप्रोच एक्स बिलोंग कर रहा है डी ऑफ टी से, एक्स नॉम इज इक्वल टू वन, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गए टी वन प्लस टी टू एक्स। अब हमने टी वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप में टी टू को एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों पर सेपरेट सेपरेट नॉम डिफाइन कर देंगे। फिर हमने कहा कि ये इक्वल है सुप्रीमम एक्स इज इक्वल टू वन से टी वन ऑफ एक्स के, और प्लस सुप्रीमम टी टू ऑफ एक्स के। तो जब हमने यही अभी ऊपर प्रॉपर्टी डिफाइन की है, तो यहाँ पे टी था, तो यहाँ पे हमारे पास टी वन है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, नॉर्म ऑफ टी वन के, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा नॉर्म ऑफ टी टू के। बस वही डिफाइन टी क्रॉस टी नॉर्म, सबसे पहले हमने टी क्रॉस टी नॉर्म डिफाइन की, देन प्रूव द फोर प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म, फिर हमने इसकी फोर प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ये मैंने फाइनल टर्म के लेक्चर स्टार्ट किए हैं, अगर आप लोगों को मेरी समझ आती है, आज मैं वेल एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।